Hello my dear students, in this video we are going to cover the topic of cube and cube root. Cube ka matlab kya hai? Ek hi same number ko teen bar multiply karne par we get cube, hame cube milta hai. For example, abhi 2, same 2 ko fir se multiply karo 2 se aur ek bar multiply karo, kitna time hua? 1, 2 aur 3. 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स इट इज 2 क्यूब. वो हो गया 2 का क्यूब. कितना होगा? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. ऐड नहीं करना, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. ये आंसर हुआ 8. इन द सेम वे अगर 3 का क्यूब लिखना है, 3 और ऊपर एक 3 डालेंगे, 3 क्यूब. 3 क्यूब मतलब कैसा? 3 को हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3s are 9, 9 3s are 27. 3 का क्यूब हो गया 27. 1 का क्यूब क्या होगा? 1 क्यूब. 1 को 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना होता है? 1 ओनली. 1 1s are 1, 1 1s are 1. अगर 6 का क्यूब लिखना है तो क्या करेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6. 6 6s are 36, 36 6s are 216. इफ यू वॉन्ट यू कैन मल्टीप्लाई 36 6s are. 6 6 are 36, 3 carry, 6 3 are 18 और 3 21. ओके, तो ये हुआ 6 का क्यूब. तो क्यूब का आइडिया आपको मिल गया. नाउ व्हाट इज क्यूब रूट? क्यूब रूट क्यूब आपने देखा, 6 का क्यूब 216 है, तो 216 का क्यूब रूट 6 है. 6 का क्यूब 216 है, तो 216 का क्यूब रूट 6 है. 1 का क्यूब 1 है, और ये 1 का क्यूब रूट 1 है. 3 का क्यूब 27 है, 27 का क्यूब रूट 3 है. तो क्यूब रूट को किस तरह लिखते हैं? एक स्मॉल 3 और ये जो स्क्वायर रूट का साइन, जो रूट का साइन, क्यूब रूट 216. इसको कैसा पढ़ता है? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 216. सॉल्व किस तरह करेंगे? क्यूब रूट ऑफ का साइन डाल दो, 216 को फैक्टराइज करना है. 216 को फैक्टराइज करते प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखना है. किसके टेबल में जाएगा 216? 2 के टेबल में जाता है. 2 लिखा, 2 का टेबल में कितना बार जाता है? 2 वन्स आर 2 जाता है. 2 चला गया, ख़त्म हो गया, 2 वन्स आर 2 गया. अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? 1. 2 के टेबल में 1 कितना बार आता है? 2 1s are 2 आता है, 1 आता ही नहीं है, 1 छोटा है. तो क्या करो? 2 0s are 0 डालो. मिडिल में नहीं आता तो नेक्स्ट नंबर में नहीं जाना है. बीच में का कोई नंबर, अभी समझो 2 का तो ले लिया, 1 इन सभी के बीच में आता है ना, तो ये 1 अगर इसके टेबल में आता ही नहीं एक बार भी, यानी इससे छोटा है, तो यहाँ पर पहले 0 डालना. इसका मतलब है 2 0s are 0. 2 0s are 0 निकालने के बाद ये 1 में क्या बचता है? रिमाइंडर क्या बचता है? 1. उस 1 को 6 के पीछे समझ, 16 हो जाएगा. 2 के टेबल में 16 जाता है, 2 8 जा 16. अब वापस से ये 8, लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 का टेबल में फिर से जाएगा. ओके, अगर आपको एक नंबर 2 का टेबल में, 3 का टेबल में वगैरह नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, कैसा चेक करना है ये अगर आपको नहीं पता, तो मैंने आज 7th स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियो बनाया है. कंटेंट सेम है, यानी एक नंबर 2 के टेबल में जाएगा तो कैसा पता चलेगा, 3 में जाएगा तो कैसा पता चलेगा, 5 में जाएगा तो कैसा पता चलेगा, वो उनको एक्सप्लेन किया हुआ है. इफ़ यू नीड दैट वीडियो, यू प्लीज़ लेट मी नो, मुझे इन्फॉर्म करो कि टीचर मुझे 7th का वीडियो सेंड करो मैथ्स का, तो मैं वो वीडियो आपको सेंड करूँगी, तो आपको वो समझ में आ जाएगा. ओके, तो ये 2 यहाँ पर लिखा, पहला नंबर 2 एक लिया, 1 छोटा है, 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो इधर 0 मत डालना, स्टार्टिंग में 0 की ज़रूरत नहीं. तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर्स को एक साथ लेंगे, तो ये क्या बन गया? 10. अभी 2 का टेबल 10 तक काउंट करो, 2 5 इज़ आर 10. 2 का टेबल 10 तक फाइंड आउट किया, काउंट किया, तो आपको मिला 2 5 इज़ आर 10, और 10 खत्म हो गया ना, 2 5 इज़ आर 10 कम्प्लीट हुआ. अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? 4. 2 का टेबल में 4 तक काउंट करो, 2 1 इज़ आर 2, 2 2 इज़ आर 4, 2 3 इज़ आर 6, 2 4 इज़ आर 8, तो आपको मिला 4. अब फिर से यहाँ पर इस तरह लाइन डालो, लास्ट में 4 है तो 2 के टेबल में फिर से आएगा. 2 के टेबल में पहला नंबर लो 5, 2 के टेबल में काउंट करो, 5 नहीं आता लेकिन 5 से छोटा तो आएगा.
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, नहीं हमारे पास फोर तो है ना, फाइव के अंदर फोर के बाद ही तो फाइव आता है, तो टू टू ज़ा फोर तक हो जाएगा, तो टू टू ज़ा फोर इसमें से गया, टू टू ज़ा फोर को ये फाइव में से माइनस करो, क्या बचता है वन, वो वन को ये फोर के जस्ट पीछे डाल के ऐसा अंदाज़ा ऐसा इमेजिन करो कि फोर के पीछे डाला, तो ये क्या बनेगा वन है और बाजू में फोर है, वन और फोर बाजू बाजू में लिखेंगे तो क्या होता है फोर्टीन, वो फोर्टीन के टेबल सॉरी फोर्टीन टू के टेबल में कभी आता, टू वन सा टू, टू टू सा फोर, टू थ्री सा सिक्स, टू फोर सा एट, टू फाइव सा टेन, टू सिक्स सा ट्वेल्व, टू सेवन सा फोर्टीन, ये भी हुआ। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, 27 को भी आगे बढ़ाना है, 27 किसके टेबल में जाता है, टू में जाता है, नहीं जाता क्योंकि लास्ट डिजिट सेवन है, तो थ्री में जाता है क्या, चेक करो, यस थ्री के टेबल में जाता है, तो थ्री का टेबल से थ्री नाइन सा 27, थ्री नाइन सा 27 एक साथ आ गया। अब ये नाइन किसके टेबल में जाता है, वापस थ्री के टेबल में, थ्री थ्री ज़र नाइन, अब फिर से थ्री वन ज़ा थ्री, तो इस तरह वन आने तक हमें करना है। तो 216 का जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, टू 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 थ्री थ्री थ्री, ये है 216 का प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस शायद नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, टू देखते ट्राई करेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू, ये तीन बार थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, चलो हम लोग एडजस्ट तो कर लिए, ये रूट को कंप्लीट इधर डालो। अब क्या करना है पता है, क्यूब रूट है ना तो तीन में से एक लेगा, स्क्वायर रूट होता तो दो में से एक लेगा, यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये तीन टू में से एक टू लो, तो ये क्यूब रूट का साइन निकल जाएगा, उसके बाद ये इधर बीच में इंटू है, ये थ्री तीन टाइम्स थ्री जो है उसमें से एक थ्री लो, तीन में से एक लो, तीन में से एक लो, तीन सेम चीज़ में से एक लो, तीन सेम चीज़ में से एक लो, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो क्यूब रूट ऑफ 216 हो गया सिक्स, देख लो सिक्स को थ्री टाइम इंटू किया तो 216, 216 का क्यूब रूट निकला तो वापस सिक्स, ओके। अभी और एक नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करके देखते हैं, 729, क्यूब रूट ऑफ 729, तो हम क्या करेंगे पहले 729 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ फैक्टराइज के लिए 729 को लिखे रखा, अब आगे हमें क्या करनी है, किसके टेबल में ये जाता है, टू में नहीं जाता, थ्री में जाता होगा, थ्री में जाता है कि चेक करना है, प्लस करके काउंट करो, ये होता है नाइन, नाइन और नाइन एटीन, थ्री के टेबल में जाता है, ये देखो ये चेकिंग का ही मैं बात बताई कि अगर ये आपको चेकिंग करने नहीं आता थ्री में या टू में या फाइव में किस में जाता है, तो वो प्लीज़ यू वॉच दैट वीडियो ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड, बुरा ऐसा शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अगर नॉलेज मिलता है कहीं भी से तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है, ऐसा नहीं कह रहे मैं अभी एट्थ स्टैंडर्ड में गया, हाउ कैन आई वॉच द वीडियो ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड, व्हाट द अदर पीपल विल थिंक अबाउट मी, नो इश्यू, अगर नहीं आपको अगर पर्सनली चाहिए तो पर्सनली मुझे मैसेज डाल दो, मैसेज अगर एक जन का भी मिल गया तो आई विल सेंड द वीडियो इन द ग्रुप ताकि सब जन देख पाए। तो थ्री यहाँ पर है, थ्री के टेबल में पहला नंबर है सेवन, थ्री का टेबल काउंट करो, सेवन नहीं आया तो सेवन के नीचे वाले में स्टॉप करो, थ्री वन सा थ्री, थ्री टू सा सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, ज़्यादा हो गया, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, इसमें से माइनस करो वन बचा, वो वन को टू के पीछे एज्यूम करो, वन और ट्वेल्व बाजू बाजू में, वन और टू बाजू बाजू में तो ट्वेल्व, थ्री का टेबल में ट्वेल्व आते, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, अब ये लास्ट नाइन बचा, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाउ वापस से ये किसके टेबल में जाता है देखना है, और ये जाएगा थ्री के टेबल में फिर से, थ्री वन ये टू छोटा है तो 24 लिया एक साथ, ज़ीरो नहीं डालना, छोटा इसमें नहीं जा रहा है तो ज़ीरो नहीं डालना क्योंकि स्टार्टिंग के लिए ज़ीरो नहीं डालता, 24, थ्री एट ज़ा 24 ये चला गया, अब ये थ्री थ्री बचा, थ्री वन ज़ा थ्री, फिर से ये नंबर थ्री के टेबल में जाता है बच्चों, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन हमारे पास नहीं है तो हम क्या लेंगे, थ्री टू ज़ा सिक्स चला गया या थ्री टू सा सिक्स को इसमें से माइनस करो, क्या बचेगा, टू बचेगा, एट में से सिक्स जाकर उस टू को इधर डालो तो ये क्या बनेंगे, एज्यूम करो टू और वन बाजू बाजू में तो 21, थ्री के टेबल में 21 होता है, थ्री सेवन से 21, ओके। अब अगेन 27 थ्री के टेबल में जाता है, थ्री नाइन से 27, नाइन जाता है थ्री, थ्री ज़र नाइन, थ्री जाता है थ्री वन ज़ा थ्री, तो हमने 729 को फैक्टराइज किया, हमें इतना मिला,
तो अभी इधर क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स से पूरे 6 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसमें से हमें क्यूब रूट इसका निकालनी है, तो क्यूब रूट का साइन पूरा चला जाएगा, 3 × 3 में से 1 3 × 3 में से 1 3 × 3 = 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 कितना होता है, 9। इसका मतलब 729 का क्यूब रूट है 9। तो इनडायरेक्टली 9 को 3 बार इंटू करोगे यानी 9 का क्यूब करोगे तो क्या ही मिलेगा आपको, 729 ही मिलेगा। देखो 9 का क्यूब है 729 और 729 का क्यूब रूट है 9। उल्टा 9 का क्यूब 729, 729 का क्यूब रूट 9। इज इट क्लियर? अब हम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल्स करते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 17। आंसर किस तरह आप लिखोगे, क्यूब ऑफ 17, 17 क्यूब इक्वल 17 × 17 × 17। ओके वंस अगेन, देयरफॉर 17 क्यूब इज इक्वल टू, यू मल्टीप्लाई दिस 17 × 17 करोगे तो आपको 289 मिलेगा, 289। फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 1 = 7 और 4 = 11, 0, 1 × 7 = 7, 1 × 1 = 1, ऐड किया 9, 8 और 2, 289 हो गया ये दोनों इंटू करने पे। अब ये जो आंसर मिला उसको किससे इंटू करना है, 17 से, तो उसको इंटू करना है किसको, 289 को 17 से इंटू करना है। थोड़ा स्पेस कम है, 7 9s are, ओके विल डू समवेयर एल्स, 289 × 17, 7 9s are 63, 6 कैरी, 7 8s are 56, 7 8s are 56, 56 और 6 हो जाता है 62। ओके 7 2s are 14 और 4 20, सॉरी 18, 14 और 4 18, इधर 0 डाला, 1 9s are 9, 1 8s are 8, 1 2s are 2, एडिशन ये 3 हुआ, 9 10 11, 1 कैरी, कैरी भी 1 है, 8 8 16 और 1 17, 1 कैरी, ये पूरा ऐड करेंगे तो 4। तो 17 का क्यूब हो गया 4713। किस तरह मिला, पहले 17 को इंटू किया तो 289 और उसको दोबारा 17 से इंटू करना है। लेट अस चेक द सम, 7 9s are 63, 6 कैरी, 7 8s are 56 और 6 62, 6 कैरी, 7 2s are 14 और 6 18, सॉरी 14 और 2 20, राइट इट वाज ना 14 और 6 20 इट वाज, पहले जो कैरी करने पे 20 हमें मिला था लेकिन फिर भी कुछ तो कन्फ्यूजन की वजह से आई हैव रिटर्न 18 आई थिंक। तो यहाँ पे वापस से किया, 7 9s are 63, 6 कैरी, 7 8s are 56 और 6 62, 6 कैरी, 7 2s are 14 के साथ 6 ऐड किया है, 14 के साथ 6 ऐड करेंगे तो 20, यहाँ पे 0, 1 9s are 9, 1 8s are 8, 1 2s are 2, अभी इसे ऐड करेंगे तो ये 3, 11, 1 कैरी इधर डाला, 0 और 8, 8 हो गया और 1 9, 2 और 2 4। ओके आई एम रियली सॉरी दैट हियर वी मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। सो यहाँ पे मिला 4913, तो ये हमारा आंसर हो गया 4000, क्या था 4913। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 17। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, फाइंड द क्यूब ऑफ -6। नेगेटिव नंबर इसलिए इसको एक ब्रैकेट डाल दिया। ओके आंसर, तो हम लिखेंगे -6 का क्यूब, -6 द होल क्यूब इज इक्वल टू -6 × -6 × -6, या -6 × -6 × -6। ओके देयरफॉर -6 का क्यूब होता है 6 × 6, कितना होता है 36, 36 × 6 होता है 216। थोड़ा देर पहले आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाई थी 216। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तभी भी एक नेगेटिव बचा है तो आंसर नेगेटिव। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो वाला पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, या फिर इस तरह सोच सकते हैं कि दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव वैसे रहेगा। सो आंसर इज -216।
ओके नाउ फाइंड द क्यूब ऑफ नेगेटिव टू अपॉन फाइव. तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव टू अपॉन फाइव द होल क्यूब. क्यों द होल बताया, क्योंकि इधर नेगेटिव है, टू है, फाइव है, इसलिए ब्रैकेट डाला. तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव टू अपॉन फाइव द होल क्यूब इक्वल्स नेगेटिव टू बाई फाइव इंटू नेगेटिव टू बाई फाइव इंटू नेगेटिव टू बाई फाइव. ओके ब्रैकेट डाल देना, नेगेटिव नंबर है इसलिए. नाउ ऊपर का सभी को इंटू करो, वो ऊपर लिखो, नीचे का सबको इंटू करके नीचे लिखो. टू टू सा फोर, फोर टू सा एट, फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव सा वन ट्वेंटी फाइव. दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव बचा. आंसर इज एट अपॉन नेगेटिव एट अपॉन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव. ओके दैट इज द क्यूब ऑफ नेगेटिव टू बाई फाइव. नेगेटिव टू बाई फाइव द होल क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव एट अपॉन नेगेटिव वन ट्वेंटी फाइव. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम्पल्स है. ओके फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2. तो 1.2 का द होल क्यूब इक्वल 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. ओके तो ये क्या करना है आपको पता है, पहला पॉइंट को दिमाग से निकाल दो या यहाँ पे इमेजिन करो कि पॉइंट नहीं है. तो बचेगा क्या है, 12 और ये 12, ये 12. 12 12 ज़ा आपको पता है, 12 12 ज़ा 144. वो 144 को इस 12 से दोबारा इंटू करना है. 144 इंटू 12. 144 कैसे आया, ये वाला 12 और ये वाला 12 को इंटू किया. हमने पॉइंट को अवॉइड किया है फिलहाल के लिए, सिर्फ बिना पॉइंट के रीड कर रहा है. 12 और 12, 12 12 ज़ा 144, उसको दोबारा 12 से इंटू कर रहा है. 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. इधर 0 वाला 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1. यहाँ पे प्लस 8, ये हो गया 12 ऐड करने पे 1 4 5 6 और 7 और ये 1 1728 1728. दोबारा एक बार कंपेयर कर लेना, चेकिंग कर लेना. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 0, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 8 12 1 carry 4 5 6 7 and 1. तो हमें 1728 मिला. अभी पॉइंट लिखना है, पॉइंट के बाद इधर कितना डिजिट है, एक, इधर भी एक, इधर भी एक. देखो क्या क्या डिजिट है, वो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक टू है, यानी एक डिजिट है. यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है. 1 2 3, थ्री डिजिट लास्ट में से राइट हैंड साइड में से काउंट करो. थ्री डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, उसके पीछे पॉइंट डालो. क्योंकि क्वेश्चन में 1 2 3 टाइम्स पॉइंट के बाद डिजिट्स थे, तो यहाँ पर आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए. देखो पॉइंट डाला, 1 2 और 3, 3 डिजिट आंसर में भी आया. ओके अब हमारे सामने और एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल है. फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02. ओके तो हम आंसर किस तरह लिखेंगे, 0.02 का द होल क्यूब. 0.02 का क्यूब इज इक्वल टू 0.02 इंटू, ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, जीरो मतलब पॉइंट है, जीरो वगैरह वगैरह है, इसलिए अगर ब्रैकेट नहीं डाला तो भी कोई इश्यू नहीं. ओके 0.02 सेकेंड टाइम, 0.02 थर्ड टाइम. ओके तीन टाइम इंटू करना है, सॉरी इधर इंटू. तो इसको बिना ब्रैकेट के ओपन रखो तो भी नो इश्यू. अब आपको क्या करना है, 0.02 द होल क्यूब इज इक्वल टू, ये नहीं लिखा ना तो भी आपका चलता था क्योंकि सब टू है. 2 का क्यूब कितना होता है, 8. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8 हमें मिल रहा है. ठीक है मैं यहाँ पे 8 लिखा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटली पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स है. इधर पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट, इधर 2 डिजिट, इधर 2 डिजिट, टोटल 6 डिजिट्स है. तो आपका आंसर में भी 6 डिजिट होना चाहिए. 8 हो गया, उसके पीछे एक जीरो डाला तो 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ये इतना डिजिट के पीछे हमें पॉइंट डालना है और उस एक जीरो. तो 0.000008, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब में क्वेश्चन में कितना है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट इधर, 2 डिजिट इधर, 2 डिजिट इधर, टोटली कितना डिजिट हो गया, 6 डिजिट. पॉइंट के बाद 2 डिजिट और क्यूब था, तो क्यूब में वो डिजिट, इसको 2 डिजिट और 2 3 को इंटू करो, 2 3 ज़ा 6 डिजिट. तीन टाइम ये गुणा करो, 2 डिजिट, फिर से 2 डिजिट, फिर से 2 डिजिट, कितना हो गया, पूरे 6 डिजिट. तो यहाँ पर 8 मिले हमें इंटू करने पर, उसके पीछे पूरे टोटल 8 भी मिलाकर 6 डिजिट होना चाहिए. तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, उसके बाद पॉइंट डालो उसके पीछे और 0. आंसर हो गया 0.000008. ये होता है 0.02 का क्यूब.
ओके समझ में आया है ये। अनदर वन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, फाइंड द क्यूब ऑफ 0.3। तो हम आंसर किस तरह लिखेंगे, 0.3 का क्यूब, क्यूब 0.3 द होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे, 0.3 वन टाइम, 0.3 टू टाइम, 0.3 थ्री टाइम्स। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डाला, मतलब ऐसा भी आप लिख सकते हो। इस इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो मैं मुझे 27 लिखनी है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर भी एक डिजिट, दो डिजिट हो गया टोटल, यहाँ पे और एक डिजिट, कितना हो गया, 3 डिजिट। तो एक डिजिट इधर, दो डिजिट इधर, 3 डिजिट के लिए है, नहीं तो 0 डालो, पॉइंट डालो। पॉइंट के बाद इधर कितना डिजिट हो गया, अभी 1 2 3, यहाँ पे भी कितना है, पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, और इसको फाइनल करेंगे और स्टार्टिंग में एक 0 डाल देंगे। तो आंसर हो गया 0.3 द होल क्यूब इज इक्वल टू 0.027। इज इट क्लियर? तो ये था क्यूब के बारे में, जितने भी आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल था वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट करने का जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू वॉन्ट द वीडियो ऑफ 7th स्टैंडर्ड विच आई हैव मेड टूडे, प्लीज़ आस्क मी। ओके, बाय।